वेलकम टू सिनेब्रिटी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म रहना है तेरे दिल में ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी। आर माधवन, दिया मिर्जा और सैफ अली खान की स्टारर इस फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखाया हो, लेकिन जब ये फिल्म टेलीविजन पर दिखाई गई तो लोगों को खूब रास आई। अब सुनने में आया है कि ओरिजिनल फिल्म मेकर वासु भगनानी के बेटे जैकी भगनानी इस फिल्म का सिक्वल बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। फिल्म के करीबी सूत्रों ने बताया है कि जैकी भगनानी फिल्म रहना है तेरे दिल में को फिर से बनाना चाहते हैं, जिसमें वे फिर से आर माधवन, दिया मिर्जा और सैफ अली खान को लेना चाहते हैं। शुरुआती प्लान के मुताबिक वे 20 साल के बाद की कहानी दिखाना चाहते हैं। जैकी पर्सनली तकरीबन पिछले एक साल से इस फिल्म की कास्टिंग पर काम कर रहे हैं। ता हालांकि माधवन, सैफ और दिया को फिर से एक साथ लाना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। आखिरकार उन्होंने इन तीनों अभिनेताओं को एक साथ लाने का प्लान ड्रॉप कर दिया और फिल्म के सिक्वल को नई कहानी के साथ पेश करने का फैसला लिया है। सूत्रों ने आगे बताया है कि फिल्म की कास्टिंग शुरू हो चुकी है और फिलहाल कृति सेनन को बतौर लीड एक्ट्रेस फाइनल कर दिया गया है। इस बार की कहानी भी एक लड़की और दो लड़कों के इर्द गिर्द होने वाली है। एक्टर्स का चयन अभी होना बाकी है और फिल्म बहुत ही शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन इतना तो तय है कि फिल्म मेकर सैफ, दिया और माधवन को इसके प्रमोशन के लिए जरूर अप्रोच करेंगे। बता दें कि 20 साल पहले इसी फिल्म से आर माधवन और दिया मिर्जा ने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म के बाद दिया और माधवन किसी भी फिल्म या किसी भी प्रोजेक्ट के साथ नजर नहीं आए। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी और भी ताजा अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।